आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? बिजनेस स्टडी का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि संपूर्ण बिजनेस का ज्ञान हमको प्राप्त हो सके और ज़िंदगी में जब कुछ हाथ नहीं लगे तो हम लोग बिजनेस करके अपना जीवन को आराम से चला सके, इसलिए हम लोग बिजनेस स्टडी करते हैं। 11th क्लास का पहला टॉपिक बिजनेस स्टडी का आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग समझेंगे बिजनेस का नेचर क्या है, पर्पज क्या है। बिजनेस का नेचर मतलब बिजनेस का विशेषता क्या है और उद्देश्य क्या है। आइए कंसेप्ट ऑफ बिजनेस समझने से पहले समझते हैं व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। एक्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्य कोई भी कार्य करेगा उसे एक ह्यूमन एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। पापा लोग कमाते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। मम्मी खाना बनाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। ह्यूमन एक्टिविटी को दो प्रकार भागों में बांटा गया है, एक पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और जो काम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। जैसे मम्मी हम लोगों के लिए खाना बनाती है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। पब्लिक पार्क में घूम रहे, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। आइए इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन प्रकार भागों में बांटा गया है, एक पहला है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन प्रकार भागों में बांटा गया है, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। आइए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला हम लोगों का है व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है वस्तुओं का खरीद विक्रय करना। हमारे समाज में दो तरीका से बिजनेस किया जाता है, एक तो प्रोडक्शन करके मतलब मैन्युफैक्चर करके गुड्स को बाजार में विक्रय करना और दूसरा मैन्युफैक्चर से गुड्स को खरीद करके बाजार में विक्रय करना, दोनों ही बिजनेस का पार्ट होता है। जैसे हमारे समाज में एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे मोहल्ले में आसपास में मोदी दुकान होंगी, मोदी दुकान लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से गुड्स खरीद के लाते हैं और समाज में बिक्री कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे आपका पतंजलि गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और बाजार में बेचता है। रिलायंस इंडस्ट्री को ले लेते हैं, गुड्स का मैन्युफैक्चर करता है और बाजार में बेचता है, उसे हम लोग बिजनेस कहेंगे। आइए बिजनेस का थोड़ा डेफिनेशन का बात करें। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू, इसका हिंदी होता है कि मनुष्य कोई भी कार्य करे जिसका वैल्यू हो। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू, आप कोई भी कार्य करें जिसका वैल्यू हो। फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी, जिससे समाज में लोगों का एक चाहत पूरा होता हो। ऐसा कार्य कोई भी कार्य करें जिसका वैल्यू हो और जिससे समाज में लोगों का आवश्यकताएं पूरा होता हो। इन रिकरिंग एक्सचेंज, ये क्रिया बार बार होना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस। आइए एक बार कंप्लीट बिजनेस का आपको डेफिनेशन दिखा दें। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी इन रिकरिंग एक्सचेंज, इसका हिंदी यही होता है कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है जिसका वैल्यू हो, जिससे समाज में लोगों का आवश्यकताएं पूरा होता हो और यह क्रिया बार बार होता हो, उसका हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक चाय वाला चाय बनाता है, चाय बना करके समाज में बिक्री करता है और डेली लगातार ये बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस का पार्ट होता है। आइए हम लोग समझेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब पेशा। पेशा का पहले आइए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल का बात करें तो डॉक्टर क्या कर रहा, पेशा कर रहा। लॉयर, CA, CS, CMA, ये लोग कॉमर्स के कॉमर्स फील्ड का कोर्सेस हैं। CA, CS, CMA, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सारा का सारा प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन को करने के लिए तीन स्पेशल चीज़ों का दरकार पड़ता है। एक पहला स्पेशल नॉलेज, प्रोफेशन करने के लिए पहले स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी है, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस किया हुआ है। और स्पेशल स्किल का मतलब होता है कि पेशेंट से क्षमता है डॉक्टर को देखने का। जैसे रोगी तो पेशेंट तो विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट बुखार से डॉक्टर के पास गया और बुखार से कांप रहा है, तो डॉक्टर इस सिचुएशन में
पेशेंट को देख के डरेगा नहीं, उसका इलाज करेगा, ये स्किल का पार्ट आता है। तो प्रोफेशन का आइए थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन का बात करते हैं। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। प्रोफेशन के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है, स्पेशल नॉलेज मतलब विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, ट्रेनिंग का मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए, और स्किल का मतलब क्षमता होना चाहिए। तीन चीज़ को मिला करके बनाया गया प्रोफेशन का डेफिनेशन। तो प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। आइए अब एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं। पूरा हिंदुस्तान एम्प्लॉयमेंट का दीवाना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता नौकरी। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता नौकरी। एम्प्लॉयमेंट में एक व्यक्ति दूसरे के लिए रेगुलर काम करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए रेगुलर काम करता है और उसके बदले उसको सैलरी मिलता है, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह एक आर्थिक क्रिया है। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह एक आर्थिक क्रिया है। इन विच वन पर्सन वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेमुनरेशन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार काम करता है और उसके बदले उसको सैलरी मिलता है, उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब आइए हम लोग डिफरेंस का बात करते हैं। डिफरेंस अमॉन्ग बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, कि बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है, हम लोग डिफरेंस का बात करते हैं। तो पहला तो बिजनेस का आपका डेफिनेशन, पहले तो डिफरेंस हो जाएगा बिजनेस का डेफिनेशन, प्रोफेशन का डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। एक बार पहले भी बोल चुके हैं, आइए एक बार आपको रिकैप करा दें बिजनेस का डेफिनेशन। कि एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी एंड रिकरिंग एक्सचेंज। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच वन पर्सन वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेमुनरेशन। पहला डिफरेंस। दूसरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है लाभ कमाना, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस देना, और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इनकम अर्न करना इन फॉर्म ऑफ सैलरी। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो बिजनेस का उद्देश्य है प्रॉफिट मोटिव, प्रोफेशन का है सर्विस मोटिव, और एम्प्लॉयमेंट का है अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी। बिजनेस के लिए नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बिजनेस करने के लिए कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अंगूठे छाप लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब। तो बोल सकते हैं पहले बिजनेस का अंतर, अगर डिफरेंस का बात करें तो पहले बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस देना है, फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव, प्रोफेशन सर्विस मोटिव, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव है अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी। क्वालिफिकेशन का बात करें तो बिजनेस में नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, और आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब, जिस तरीका काम उस तरीका क्वालिफिकेशन का हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। प्रोफेशन का बात करें तो रिस्क है बट कम है, तो लो रिस्क इन्वॉल्व। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, अगर रिस्क के दृष्टि से बात करें तो बिजनेस में हाई रिस्क है, प्रोफेशन में है रिस्क लेकिन कम है, लो रिस्क। जैसे कोर्सेस कर रहे हैं, हो सकता है मेरा जॉब ना लगे, मेरा काम ना चले। जैसे बात करते हैं डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है हम प्राइवेट चैम्बर खोले, हमको पेशेंट ना मिले, ये रिस्क है लेकिन काफ़ी कम है। तो बिजनेस का बात करें तो हाई रिस्क, प्रोफेशन का बात करें तो लो रिस्क, और एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो नो रिस्क। एग्जाम्पल का बात करते हैं, ये बिजनेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हो सकता है एक सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर का मतलब होता है मोदी दुकान, पान गुमती, चाय दुकान, ये सारे का सारा सोल ट्रेडर के समक्ष आएंगे। दूसरा हम लोग का पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी व्यापार, या तो आप कंपनी खोल लीजिए। तीन बिजनेस का एग्जाम्पल है सोल प्रोपार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। प्रोफेशन का एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, CA, CS, CMA, और एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हम क्या हम लोग इसमें जो हम लोग का इंटरेस्ट है अपना काम को क्या किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिजनेस में
आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल, प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल, एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। आप अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे एक बाप अपने बेटे को बिजनेस दे सकता है, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होगा। आइए एक बार डिफरेंस को फटाफट रिकैप करा दें कि पहले आपको डेफिनेशन देना होगा कि एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी थ्रू रिकरिंग एक्सचेंज। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स, तीन चीज चाहिए, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच वन पर्सन वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेमुनरेशन, उसको हम लोग कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। फिर ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं हम लोग, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव, और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी। क्वालिफिकेशन का बात करें तो बिजनेस के लिए नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोफेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब। रिस्क का बात करें तो बिजनेस में हाई रिस्क इन्वॉल्व है, प्रोफेशन में लो रिस्क इन्वॉल्व है, और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का बात करें कि हम अपना काम किसी और को दे सकते हैं या नहीं, तो बिजनेस में आप अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, प्रोफेशन में कैन नॉट बी ट्रांसफर और एम्प्लॉयमेंट में कैन नॉट बी ट्रांसफर। एग्जांपल का ये बात कर ले फटाफट, बिजनेस का एग्जांपल है सोल ट्रेडर, जैसे मोदी दुकान, पान गुमटी, चाय दुकान, ये सोल ट्रेडर के समक्ष आएंगे। पार्टनरशिप कंपनी, प्रोफेशन का एक एग्जांपल का बात करें CA, CS, CMA, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। एम्प्लॉयमेंट का ये बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में तो दो ही तरीका का जॉब है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। जितना आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई किए हुए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझें व्हाट इज बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? बिजनेस स्टडी का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो सके। तो 11 क्लास का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, पहला टॉपिक हम लोग का नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, मतलब इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे हम लोग बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब फीचर्स क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस समझने से पहले हम लोग समझें व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? मनुष्य कोई भी कार्य करेगा उसे ह्यूमन एक्टिविटी बोलेंगे। एक्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। इट मे बी डिवाइड इन टू टू पार्ट्स, इसको दो प्रकार भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम कमाने के लिए करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो काम कमाने का उद्देश्य से नहीं करते उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। विच वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच वर्क डूइंग फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक का एग्जाम्पल आगे भी दे चुके हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही है, ये नॉन इकोनॉमिक का पार्ट होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगेन हम लोग तीन प्रकार भाग में बांट सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब समाज में, जैसे आप देख रहे हैं आप गुड्स खरीद करके समाज में बेच रहे हैं, ये भी आपका बिजनेस का पार्ट है, या मैन्युफैक्चर करके आप बेच रहे हैं, ये भी आपका बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी थ्रू रिकरिंग एक्सचेंज। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन पेशा, पेशा होने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच वन पर्सन वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल का बात करें तो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। डिफरेंस तो अभी अभी किए हुए हैं, बस आज के सेशन के लिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे आपका ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।